हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बाद में हम ज़रूर बताएंगे कि सॉफ्ट कैसी बनेगी, वीडियो पूरी देखना फ्रेंड्स। तो ये 1.5 कप हमने बेसन ले लिया है, 1 कप लिया है चीनी और 1/2 कप लिया है घी और 4 लिए इलायची जो हमने कूट के ले लिए हैं। तो गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें बेसन डाल देंगे। 2 मिनट तक इसी तरह से बेसन भूनने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, घी से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये सभी घी हमने डाल दिया है, टोटल हमारा 1/2 कप घी लग गया है और ये परफेक्ट है इतना। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो, हल्का गुलाबी कलर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो समझ लें कि हमारा बेसन परफेक्ट है। तो अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा बेसन हो जाएगा। तो ये बेसन हमारा बुन के तैयार है, तो इसे रखेंगे साइड में और अब चाशनी की तैयारी करेंगे। तो गैस पे रख देंगे एक पैन और उसमें 1 कप जो हमने चीनी ली थी वो डाल देंगे और 1/2 कप उसी कप से पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। और इसे चलाते हुए चाशनी बना लेंगे। आप किसी से भी मेज़र कर लें, बस उसी के हिसाब से आप सभी नाप लें। तो ये देखिए, चाशनी हमारी बॉयल होने लगी है। तो इधर हम एक टिफ़िन ले लेंगे और उसमें डाल लिया है बटर पेपर और उसे करेंगे ग्रीस। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, चाशनी चेक कर लेंगे, ये चिपचिपी सी लगने लगेगी हमें। तो अब इसमें डाल देंगे जो इलायची हमने कूट के रखी थी और थोड़ा सा फूड कलर, इसे कर देंगे मिक्स। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो चाशनी थोड़ी थोड़ी करके हम बेसन में डाल देंगे और इस तरह से चलाते हुए थोड़ी थोड़ी चाशनी हम डालेंगे। तो ये चाशनी हमने सभी डाल दी है। तो इस तरह से ये बन जाएगी। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए हम पकाना है। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने 1/2 कप मावा होगा, ये फ्रेंड्स हमने घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, मावा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, तो मावा ज़रूर डालें और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। तो थोड़ा सा उसमें से बेसन ले लें और गोली बना के देख लें, अगर गोली बन रही है तो समझ लें कि हमारा बेसन परफेक्ट है जमाने के लिए। तो इसे निकाल लेंगे एक टिफ़िन में या ट्रे में। तो आप चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो हमने इसी तरह से इसे सेट किया है। तो बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। तो इसके बाद इसे करेंगे कट। कट हो गई है बर्फ़ी, तो अब लगाएंगे इसे प्लेट में और करेंगे पिस्ते से डेकोरेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास